म्यांमार की सेना ने मंगलवार को जेट से बम बरसाए और हवाई जहाज से लगातार 20 मिनट तक फायरिंग की। हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, इसमें दर्जनों महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पाजीगी कस्बा सेगांग प्रांत में है। ये राजधानी नेपिडो से 260 किलोमीटर दूर है। आर्मी ने यह हमला तब किया जब पाजीगी शहर में पीपल्स डिफेंस फोर्सेस का ऑफिस खोल रहा था। दरअसल पीडीएफ देश में मिलिट्री के खिलाफ अभियान चला रहा है। हमले के वक्त 300 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। यूएन ने सेना की तरफ से किए गए हमले की निंदा की है। यूएन ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर वोल्कर टूक ने कहा है कि हवाई हमले की रिपोर्ट परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जब हेलीकॉप्टर से बम बरसाए गए तब एक हॉल में कई स्कूली बच्चे डांस कर रहे थे। 2 साल पहले हुए तख्तापलट के बाद इस सेना का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हमले के दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि गांव में सुबह 7 बजे सेना का जेट आया। इसने एक बम गिराया जिसके बाद कई हेलीकॉप्टर्स ने फायरिंग शुरू कर दी। ये गोलीबारी लगातार 20 मिनट तक जारी रही। आसपास रहने वाले लोगों ने इनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। इन वीडियो में चारों तरफ लाशें दिखाई दे रही हैं। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक उन्होंने लाशों को गिनने की कोशिश की, लेकिन डेड बॉडीज के हिस्से अलग अलग जगह पर फैले होने के कारण वो ये नहीं कर पाए। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए जस हिंदी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting पर मेल कर सकते हैं।